तो हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास हो गए। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं वैसे 5 बजे उठ चुका था, और अभी धीरज भैया के वहीं पर ही हूँ, गांव में, लकोड़ा गांव में। और मेरी कल की ट्रेन है, सॉरी कल की ट्रेन से नहीं, बस से जाऊँगा। और सुबह सुबह आंटी, ये सुबह का नियम ही, मतलब रोजाना नियम है चूल्हा कि पोत ये रहे हैं पूरा तुम्हें चूल्हा पोत रहे हैं पूरा, मतलब ये चौका जो रहता है ना, देखिए खाना बनाने के लिए। खाना बनाने वाला चीज जो किचन होता है इनका, ये पूरा के पूरा रोजाना इसे साफ किया जाता, पुताई की जाती है इसकी। सफाई किया जाता है। आप धर्मेंद्र भैया की जल्दी शादी करवा दो तो आप थोड़ा सा ये काम आप नहीं करेंगे फिर। और वो बिल्ली है ना गाइस, ये बिल्ली रोजाना इसमें ही चूल्हे में सोती है। बाहर कहीं मिल जाती और अभी अंकल जी ने अभी गुड़ खिलाया मुझे। किसी का फोन नहीं है अंकल। सुबह सुबह गुड़ खाया, पानी पिया और बस अच्छा लग रहा है सुबह सुबह की, मतलब गांव की सुबह आए है, ठंडी ठंडी हवा है, शुद्ध हवा है ना अंकल। और सुबह सुबह ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हमारी रूबी, हाय रूबी, कैसी हो? बढ़िया हो? अच्छी हो जी? लगाओ फोन, घर बातचीत हाँ, घर बातचीत हुई ना। और ये रूबी ना मेरे साथ ही साथ चल रही है, बैठ गए। हाँ ये देखिए, बकरी भैंसे, और अभी इनका दूध निकाला जाएगा। और यार हल्का हल्का कोहरा हो रहा है, हल्का हल्का, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। और आज कहीं ना कहीं जाएंगे घूमने के लिए, मस्त अच्छी लोकेशन है। और परसों के दिन तो मैं गया था भंवरसेन, भंवरसेन का। तो देखिए ये जो कुटी कुटिया बनी हुई है मेरे पीछे, जस्ट कितनी अच्छी लग रही है। सुबह सुबह बाल कैसे हो रहे हैं यार, मुंह वो धो के सब कंप्लीट हो चुका हूँ मैं। ये क्या है यार, ये क्या चमक रहा है? कुछ चमक रहा है ना, ठीक है छोड़िए। ये कुटिया बड़ी मस्त लग रही है यहाँ पर भागवती। कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत चहल पहल थी, कि 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, और इतनी चहल पहल थी कि क्या बताएं। सभी से मैं तो सभी से बातचीत कर रहा था मस्त तरीके से, बिंदास एकदम। या चप्पल नहीं पहनी तो मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है नीचे, चप्पल पहन लेते यार। और गाइस अंदर नानी सो रही है, नानी सो नहीं रही, नानी लेटी है बाहर, नहीं मतलब खटिया पर। नानी ये देखिए, नानी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री राम बोली नानी। हाँ, और एक नानी कहाँ पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ गए नानी। हाँ, और मैं सुबह सुबह तंग करने पहुंचा। अभी धीरज भैया सो रहे हैं, धर्मेंद्र भैया भी सो रहे हैं, और हम भाई गांव घूम रहे हैं मस्त। देखिए यहाँ पर 24 घंटे ये चूल्हा यहाँ पर जलते रहते हैं, दो चूल्हे। एक तो इसको मिट्टी से बूर दिया गया है, और इधर एक चूल्हा था वो रहा। यहाँ पर रोजाना ही 24 घंटे चूल्हा जलता रहता था, इस रूम में भी 24 घंटे जलता रहता था चूल्हा, खाना बनता ही रहता था, बनता ही रहता था। और गाय, वो छोटे छोटे पिल्ले है ना, उनको अंदर रख दिया गया है। हाँ रोड कहती चल पे, चलिए रोड पे चलते हैं, घूमते हैं। इतने चोटी पर ले चलेंगे, पहाड़ के चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर। हाँ अरे अंकल, मुझे तो चलना ही है ना। और ये बेटे एक भाई साहब, तो और भाई साहब बढ़िया साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आप पूछ हिलाने लग गए यार, डिंका चिका डिंका चिका। ये देखो आज दिशु आओ, देखिए हल्का हल्का कोहरा है, ये देखिए कोहरा छापा है कायदे से यार। हाँ हल्का हल्का कोहरा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, सुहाना सफर है ये, मौसम हसीना। घाटी पे हाँ, जैसे पहाड़ी नहीं है हाँ, इसके ऊंचे ले चल के हाँ, वहाँ का सीन ले लो हाँ, और वहाँ काफी लोग जाते हैं अच्छा दर्शन करने। किस चीज का मंदिर है? देवी माता की मंदिर है, बहुत छोटी सी मंदिर है अच्छा, एकदम टापू पर।
एकदम टापू पर है, एकदम टापू पर। अरे वाह, मैं ऐसे कॉर्नर पर गया हूँ ना पहाड़ी के, कौन सा है वो, ब्रह्म पर्वत नहीं, हाँ ऐसे कोई नाम है यार, मैं भूल गया, थोड़ा नासिक में है। अरे वहाँ तो बहुत ऊंची, बहुत हरे, मतलब है ना, ना इधर खाई और इधर भी खाई, जरा सा रास्ता डेंजर रास्ता था, और मैं गया था, मेरा यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक भी नीचे सेंड कर दूंगा आप लोगों को भी। बहुत भयंकर रास्ता था वो, मतलब पहली बार गया था वैसे रास्ते पे, इतना छोटा सा रास्ता, इधर खाई और कोहरा, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, माय गॉड, मैं तो डर गया था इनका। ठीक है, सुबह सुबह गांव का माहौल, सब अपने अपने काम में व्यस्त, सुबह सुबह काम में भीड़ है, देखिए सुबह से लग जाते हैं, है ना। हाँ सही है, और यार गांव में है ना जो कवेलू के घर रहते ना, वो बहुत खूबसूरत बने रहते हैं, वो इसके जैसे ये बना हुआ है ना घर, इस घर के ऊपर भी ऐसे ही कवेलू से बना रहता है। हाँ, वो मॉडल है, यूपी में ज्यादा मिलता है, यूपी में नहीं, इधर भी कहीं है। हाँ, कुछ जगह है, कुछ जगह है। हाँ। मैंने देखे, काफी अच्छे लगते हैं। मैं एक बार तो टहल के आ गया यहाँ पर, यहाँ से रोड तो गया था सुबह सुबह में 5 बजे उठा, निकल गया। हाँ निकल गया मैं सुबह सुबह टहलने के लिए, पर सुबह अंधेरा हो रहा था इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाया था। हाँ ज्यादा अंधेरा। हाय, अरे हाय तो कर दो जी। अंकल जय श्री राम, जय श्री राम। और ये देख, ये कालू अपने पीछे पीछे आ रहा है, और ये रूबीन, ये भी दोनों हमारे, ये आगे चल रहा है, चल ले इधर आ इसके साथ। हाँ पूरा है इसमें, अभी मुझे लग रहा है कि इस कालू का मूड नहीं खेलने का, नहीं तो ऐसा पकड़ता है ना। भाग रहा, और दाढ़ी तो आती नहीं है पर जितनी भी आए काफी बड़ी हो चुकी है, बाल बाल भी सेट वेट करवाना है, आज नहीं घर जाऊंगा। ओ माय गॉड, मेरी घड़ी वहीं रह गई जहाँ सोया था। ये जमीन कितना है, गाइस आ चुके हैं रोड पर, ये देखिए सुनसान डगर है और सुनसान नगर है, सुनसान गांव है। अभी सुबह सुबह का माहौल है, परों को खोल, इधर आओ इधर आओ, ठीक है ये देखिए। बात को कर ले, सबसे पहला काम उठते से ही, उठते ही, और यहाँ उठते से पहले दूध चाहिए। इधर आंट, वाह। और मैं हूँ सुबह सुबह तंग करने आ जाता हूँ कहीं भी। देखिए गाइस, मैं इस घर की, ऐसी घर की बात कर रहा था, ये जो घर दिख रहा ना बहुत ही खूबसूरत, उधर से रोशनी आ रही है, कोहरा दिख रहा है हल्का हल्का, बहुत सुंदर लग रहा है यार। इसके ऊपर भी बना रहता है, बहुत ही अच्छा है यार। देखिए गाइस, बकरी का दूध निकल रहा है। देखते हैं, चलते हैं, बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। खूब ले, खूब ले, बकरी का दूध निकल रहा है भैया सुबह सुबह। लात मारती है ना बकरी का भैया? नहीं नहीं, जो औखर आदत किया है ये। इन सभी सभी बकरी का दूध निकालेंगे ना, इन सभी अभी बकरी का दूध निकालेंगे। भौजी को फोटो ले ले। आंटी काम कर रहे हैं। है। पूरे गांव में भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ मतलब दौड़ रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ, सबको परेशान कर रहा हूँ, पूरा गांव घूम रहा हूँ गाइस, पूरा गांव, मतलब गांव तो काफ़ी और भी बड़ा है, बट जितना भी घूम रहा हूँ
मेन रोड पर है, आसपास घर है, सभी ऐसे घर है सर, ऐसे घर जिसके ऊपर भी बने रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है घर पीछे हमारे, बरगद का पेड़, उसके पास घर। बहुत डरावना सीन लग रहा है, बाबा रे बाबा। सुबह सुबह भाई, सुबह सुबह जा रहे हैं आम के बगीचे के अंदर। तो गाइस अब यहाँ से झुक के जाना है, हो जाना। अरे लग गई जी, कुत्ता हमारे पीछे पीछे, इनको अच्छा ये निकल गए। ये आम के पेड़ ही लगे हुए हैं पूरा का पूरा, ये जितना भी है यहाँ पर। और ये तो कर रहे हो रे बाप रे, ऐसी अभी ऐसी गुलांटी खाई थी यहाँ से। क्या जी, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? सुबह 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 एक्सरसाइज कर रहे, मस्ती कर रहे। और देखिए सुबह सुबह एक छोटा सा स्विमिंग पूल दिखाता हूँ आप लोगों को, स्विमिंग पूल। ये रहा स्विमिंग पूल, गरम गरम पानी है, गरम 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 गरम। ये देखिए चल रहा है पानी, और यहाँ से पूरा खेतों में जाता है इधर से। तो इधर आ गए हैं सुबह सुबह अंकल, है ना, ये चारा जो है ना, ये चारा काट रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए उस दिन जो दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, वो भी भाभी वही काम कर रहे हैं जो हमारी है। ये रोज का काम है ना भाभी, रोज का काम है, ये लिपते हैं पूरा चौका रोज। और ये छोटी सी हमारी, और ये हमारी नित्या सो रही है अभी, उठाते नहीं वरना रोने लग जाएगी। चलिए चलो जनाब, चलिए दौड़िए दौड़िए दौड़िए, इधर जा रहे, इधर से इधर से इधर इधर। ये हमारे पीछे पीछे आ रहे लगातार। ये देखिए, अरे फिर लड़े फिर लड़े फिर लड़े फिर लड़े फिर लड़े, पकड़ 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 पकड़। देखिए सूर्योदय हो, चलो। और ये गेट अच्छे हैं, ये इसको अच्छा यार, यहाँ पे ना दो मिनट में से गेट तैयार कर देते हैं लोग ऐसे। बहुत मजा आता है यार, काफी अच्छा लग रहा है। बस आज का दिन है, कल निकल जाएंगे घर इंदौर। तो गाइस आज नानी भी घर जा रही है, देखिए देरानी जा रही है, जेठानी छोड़ने जा रही है। देखा ये जो लुक है ना गाइस, ये मतलब ये दृश्य है ना, देखने मतलब मैं सौभाग्य समझू मेरा कि मैं देख रहा हूँ ये दृश्य। देखिए पैदल पैदल जा रहे नानी, नानी है ना मतलब गाड़ी पे नहीं बैठते हैं, तो पैदल पैदल ही वो वहाँ तक, वो जो उधर नहीं किधर, वो उस तरफ घर दिख रहा कोने में, वो जो घर है वहाँ तक पैदल पैदल जाएंगी नानी, बाय। तो गाइस हम कहीं जा रहे थे और ये हमारे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ गया, और इसको नहीं रे मारो मत बेटा, नहीं मारते यार। और बस अब इसको छोड़ने हम घर जा रहे हैं, बट ये ना गाड़ी से कूद रहा बार बार। चले चले भैया, चले चलिए चलिए चलिए, तंग करके रखा है, चलिए देखते हैं इसका। चल चल भाई, अब भगा, मस्ती तो नहीं कर रहा है, चल रहा है। ये देखो ये बसान करके रख देता है। और देखिए अंकल इधर, तो भाई स्वागत है मेरे चैनल में, दास सुनाते पर तो मेरा कैमरा मैन डर चुका था अभी। ये अच्छा लग रहा है ना व्यू, है ना। अभी तो गाइस मैं आया हूँ, मतलब बार बार वेलकम क्यों बोल रहा हूँ, आप तो मेरे पास जैसे ही जुड़े हो आए हुए हो मेरे चैनल पर। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लग रहा है आप लोगों को, शेयर ज़्यादा करिए यार।
सब्सक्राइब करवा दीजिए 1 मिलियन और मिलियन में व्यू, पता नहीं कैसे होगा। ये देखिए, ये हमारी जो बोटना है, इधरा बोटना, बोटना नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसका नाम है दिव्या, और ये सब कुछ समझती है पर बोल नहीं पाती है, बट इसे लोग समझाते नहीं है ना। हाँ देखा, हाँ बोला, आप जाओ इसको खिला के आ जाओ, जल्दी जाओ, देखा समझ गए ना, वो चले गई। तो गाइस मैं अभी इस वक्त आया हूँ, किसका घर है ये? इसी का, ना ना नानी। गुड। तो गाइस वैसे मैं सो चुका था ब्लॉग को बिना एंड किए हुए, और अभी समय हो रहा है, घड़ी नहीं है पर आदत हो चुकी है इसे देखने की। अभी टाइम हो चुका है 2:30 बज रही है, और मैं उठ चुका हूँ, मैंने वीडियो वगैरह एडिट किया अभी, और धीरज बाबू इधर नीचे सोए हैं। अरे यार बाल वगैरह सब बिगड़ जाते हैं। तो गाइस मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड कर देता हूँ और फिर सोता हूँ, है ना। तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए यार, जल्दी से जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़वाइए मेरा, और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करिए आप जो ये बोलेंगे वैसा करेंगे। मतलब पर यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए अपनी, बहुत बड़ी। तो बस खाना वाना खाने के बाद मैं बस कुछ कर रहा था, और मुझे अलग नींद आ गई और मैं सो गया, और मैं अभी इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सब सो रहे हैं, मैं जग गया हूँ। मुझे पता नहीं क्या है कि यार मेरी एक बार अगर रात को नींद खुल गई ना तो मुझे नींद नहीं आती फिर दोबारा, पता नहीं क्यों। तो मैं या तो कुछ काम करता रहता हूँ या पढ़ता रहता हूँ, तो शायद नींद आ जाए, बट तब भी नींद नहीं आती। फिर सुबह 5-6 बजे के समथिंग मुझे फिर नींद आना शुरू होगी, और फिर 2 घंटे अच्छा सोऊंगा। और ओह तो चलते पहले बाहर देखते हैं रात को, अभी तो 2 बज रहे हैं। अरे ये बल्ब चालू हो चुका है। नहीं तो येल्लो लाइट लग रही थी, क्योंकि येल्लो बल्ब है ना, इसलिए जो गांव में नहीं लगता है वो वाला बल्ब। देखिए फिर बंद हो चुका है, इधर चलते हैं जहाँ लाइट वहाँ राज। तो क्या किसी को डिस्टर्ब करे रात को, सो जाते हैं चुपचाप। तो और यार ये डॉगी जो है ना, मतलब यही सोता है यार, पास आ जाता है। ये भाई, ये जनाब यही सोए हैं, हम रात को आए और ऐसे कैसे सो गए आके, क्या बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत धमाधम भाई। इसको भी उठा दिया मैंने। तो चलिए ब्लॉग को यही एंड कर दिया, और जल्दी जल्दी यार गाइस सब्सक्राइब करवा दीजिए, बाकी तो सब ठीक है, और यूं ही हमेशा प्यार बनाए रखिए। शायद व्यू नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी, और गलती हो तो माफ़ करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।